भारत पाक सचिव वार्ता के सस्पेंस के बीच पाकिस्तान ने एक बार वो कदम उठाया जिससे दोनों देशों के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को दो दिन तक चलने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता भेजा गया है। ये कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। गौरतलब है कि आसिया समेत दूसरे अलगाववादी नेताओं को 20 और 21 जनवरी को इस्लामाबाद में होने जा रही इस कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता भेजा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति सरदार मोहम्मद याकूब खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से कश्मीर विवाद और भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ रहे इसके असर को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा कश्मीर में शांति, देश में बढ़ रहे हिंदू चरमपंथ, कश्मीर में भारतीय संविधान की धारा 370 और 35A को हटाए जाने को लेकर चल रही चर्चा और कश्मीर विवाद पर इसके संभावित असर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत के साथ वार्ता से पहले पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की हो, बल्कि अगस्त 2015 में भी वार्ता से पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कश्मीरी अलगाववादियों को मुलाकात का न्योता दिया था, जिसके बाद वार्ता रद्द कर दी गई थी।